नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि सहाय ट्रैवल चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम कश्मीर विजिट पे हैं और ये हमारा कश्मीर सीरीज़ चल रहा है। जैसे ही हम श्रीनगर पहुंचे, सबसे पहले हम आपको डल लेक घुमाने के लिए ले गए। वहां से चार चिनार गए, शिकारे की सैर करी। डल लेक के दो आकर्षण जो हैं वो मुख्य हैं, एक तो चार चिनार और दूसरा यहाँ का जो है हाउस बोट। यहाँ पर अगर आप आएँ और हाउस बोट में ठहरना चाहें तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा ऑप्शन होता है, जो यूनिक है यहाँ कश्मीर के लिए। तो आज हम चलेंगे हाउस बोट की ओर और देखते हैं वहाँ ठहरने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। बेस्ट टाइम होता है कश्मीर में मई जून का समय। इस टाइम बर्फ़ पिघल रही होती है और बहुत ही अच्छा चारों तरफ सुहाना मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपने पहले दिन की शुरुआत सूर्योदय के खूबसूरत नज़ारे को देखकर करना चाहते थे, इसीलिए सूर्योदय से कुछ पहले ही हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में उगने वाले पेड़ पौधों और वनस्पतियों का जायज़ा लेने निकल पड़े। इस स्थान पर एक बड़े हिस्से में अखरोट के वृक्षों का प्लांटेशन है। ओस की बूंदों पर सूर्य की पहली किरण मोती की तरह चमक रही थी। घास में खिले तमाम रंग बिरंगे फूल हमें बरबस आमंत्रित कर रहे थे। श्रीनगर में प्रवेश करने के बाद विभिन्न मार्गों से होते हुए हम पहुंचे डल गेट। श्रीनगर का ये पुराने शहर का हिस्सा है और इसे डल लेक का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं डल झील की ओर। 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यह झील तीन दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी है। डल झील का एक और आकर्षण है यहाँ के हाउस बोट। इस विशाल झील के बहुत बड़े हिस्से में हाउस बोट सजे हुए हैं। दरअसल ये हाउस बोट कभी यहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरत के लिए बनाए गए थे। पानी पर तैरते ये लकड़ीनुमा बोट हाउस आज सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इन बोट हाउस के चारों तरफ फैली प्राकृतिक वनस्पतियां इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इन हाउस बोट की ओर। कतारबद्ध झील के दूसरे किनारे पर लगे बोट हाउस असल में पानी पर तैरते होटल हैं, जिसमें सैलानी आकर ठहरते हैं। ये बोट हाउस सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं। इस बोट हाउस को देखकर आप सहज ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी पंच सितारा होटल से कम सुविधाएं नहीं हैं। इन बोट हाउस के अपने शिकारे होते हैं, जो सैलानियों की सुविधा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हर बजट के बोट हाउस यहाँ पर उपलब्ध हैं। इनमें ठहरने के लिए पूरी दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है।
झील के एक हिस्से में संजय पार्क है। जहां पर कई छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं। पानी पर तैरती हुई दुकानें भी यहां देखी जा सकती हैं। दरअसल डल झील का यह हिस्सा पानी पर तैरता हुआ एक छोटा आधुनिक शहर है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। झील में सैलानियों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुश्तैदी से तैनात रहती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तो डल लेक का हमारा सफ़र था। यहाँ पर श्रीनगर में और भी बहुत कुछ चीज़ें देखने के लिए हैं। ख़रीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ के शॉल और वूलन्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, तो उसे भी आप लेके जा सकते हैं। और अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दाचीगाम नेशनल पार्क। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी हमारे दूसरे चैनल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस पर उपलब्ध है। उसका लिंक हम यहाँ पर दे देंगे तो आप उसे देख सकते हैं। और अभी हम बहुत सारी चीज़ें और भी कश्मीर में देखनी हैं, तो आप देखते रहिए कश्मीर का हमारा ये सीरीज़। जल्दी ही हम आपको किसी और जगह पे लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।